सो ऑलरेडी यही वो जगह है, यही वो प्लेस है जहाँ से मैंने अपनी YouTube की शुरुआत की थी। 2021 की पहली शॉर्ट राइड में आप सभी का स्वागत है। ओके सर, हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्या डायरीज, दिस इज राहुल सूर्यवंशी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, फिट हो। एक्चुअली मैं पिछले वीडियो में ही हिंट देने वाला था आपको कि मैं शॉर्ट राइड पे जाने वाला हूँ, लेकिन ये मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं शॉर्ट राइड करूँ या लॉन्ग राइड करूँ। तो लॉन्ग राइड तो पॉसिबल नहीं हुई मेरे से, लेकिन शॉर्ट राइड पॉसिबल हो रही है। तो आज हम जा रहे हैं शॉर्ट राइड पर। मैं अकेले जा रहा हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, और अकेले जाने का भी एक रीजन है। मैं वहां पर जा रहा हूँ जहां से मैंने अपने YouTube की शुरुआत की थी, YouTube जर्नी की शुरुआत की थी। आप सभी को तो पता ही है, आपने पिछला वीडियो देख लिया। तो यस, मैं जा रहा हूँ मालचेस घाट। द टाइम इज नाउ अराउंड 7:30 AM, 8 बजे निकलने का प्लान है। एंड शॉर्ट राइड है, वन डे राइड है, जाकर शाम को अपन वापस आ जाएंगे, तो इसलिए कुछ ज्यादा सामान कैरी नहीं कर रहा। बस यही कहना था मुझे, अब जाता हूँ और रेडी होकर ही आता हूँ। हो, इतने दिनों के बाद राइड करने का मज़ा ही अलग है, बाइक को देखने का मज़ा ही अलग है। सो चलिए, वी कैन स्टार्ट द राइड। ओम साई नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। कोल्हापुर के बाद मैंने परसों बाइक स्टार्ट की थी, तो ऑलमोस्ट वन मंथ के लिए मैंने बाइक को स्टार्ट भी नहीं किया था, हाथ भी नहीं लगाया था। एक्चुअली मैं बाइक सिर्फ राइड के लिए यूज़ करता हूँ, राइड के अलावा मैं बाइक यूज़ नहीं करता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। लेकिन परसों फिर मैंने बाइक को स्टार्ट किया, वॉश किया एंड देखिए, अब एकदम टकाटक है बाइक। ये इसी के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा राइड के लिए घर से बहुत जल्दी निकलूं, क्योंकि ये पतरी पुल का ट्रैफिक। बाय द वे, ऐसी उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी है कि पतरी पुल ऑलमोस्ट बन चुका है। अगर आप देख पा रहे हो टू माय लेफ्ट, बस हो चुका है, बन चुका है, अब कब खुलेगा क्या पता। तो आज का जो रूट है मेरा मालचेस घाट का, वो इस तरह से है कि डोंबिवली, फिर पतरी पुल, फिर कल्याण सिटी के अंदर से जाएंगे शहाड़ और मुरबाड़, और फिर मुरबाड़ से स्ट्रेट मालचेस घाट, कुछ इस तरह का रूट है। वैसे तो मालचेस घाट जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही जो दिक्कत मुझे लगती है वो ये है कि रोड जो है वो सिंगल लेन है, मतलब अहमदाबाद और नासिक हाईवे जैसा एक प्रॉपर हाईवे नहीं है मालचेस घाट के लिए। ये बहुत ही कभी कभी बोरिंग राइड हो जाता है। हालांकि मैं बाइक पर हूँ इसलिए मैं साइड से निकल सकता हूँ, कभी कभी सामने से ओवरटेकिंग भी जो करते हैं बस या ट्रक वाले, वो भी बहुत डेंजरस हो जाता है, तो इसलिए ये रूट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लुक एट द सन, सनराइज तो नहीं देख पाया, द टाइम इज अराउंड 9 o'clock। अरे बाबा, क्या यू टर्न लेता है बीच में ही। तो सनराइज तो नहीं देख पाया, लेकिन जो मौसम है वो बहुत ही सुहाना है, फॉग है फिलहाल और ठंड तो बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये ऐसा ओवरटेकिंग होता है, मुझे सेंटर्स कंप्लीटली बंद कर दे दो, मैं बात कर रहा हूँ सनराइज के बारे में और ये बीच बीच में क्या हो रहा है यार, अब मुझे सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं करना है। अच्छा, बात कर रहा था सनराइज के बारे में, तो कोई ओवरटेक कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है। मुरबाड़ यहाँ से और 25 किलोमीटर की दूरी पर है, और मुरबाड़ से पहले बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस, गाँव आने वाले है। सो मुरबाड़ से पहले मैंने एक गांव के यहाँ पर स्टॉप ले लिया है, एक्चुअली वड़ा पाव वाला मुझे दिख गया, तो सोच रहा हूँ कि खुद के लिए दो वड़ा पाव ले लूँ पार्सल और मालचेस घाट में बैठ के आराम से खाऊँ, दोन वड़ा पाव पार्सल, तो वड़ा पाव भी पार्सल ले लिया है। वैसे तो मैं बहुत ही डाइट कॉन्शियस हूँ और आजकल वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन राइड पर निकलता हूँ और कहीं वड़ा पाव दिख जाए तो मुँह में पानी आ जाता है। एक दिन तो चलता है, चीट डे तो चलता है। मुझे पता है कोई कोई लोग ये सोचेंगे कि मैं सोलो राइड क्यों कर रहा हूँ आज की। सोलो राइड करने के पीछे मेरा रीजन ये है कि मुझे नेचर के बीच अकेला रहकर माइंड फ्रेश करना था, एक माइंड फ्रेश होगा, रिलैक्सेशन होगा, और फ्यूचर के लिए अपन और तैयार हो जाएंगे। जब आप नेचर के बीच बैठते हो ना अकेले, माइंड यू अकेले, तो आपका माइंड कुछ अलग ही बातें करता है आपसे। जब मैं आज घर पहुंचूंगा तो माइंड एकदम फ्रेश होगा, चिल्ड आउट होगा एकदम, और फ्यूचर की प्लानिंग तो है ही, दोस्तों के साथ लॉन्ग राइड तो है ही, फिलहाल ये शॉर्ट राइड एंजॉय कर लेता हूँ। और कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर, लीजिए मैं पहुँच गया हूँ मुरबाड़। यह है मुरबाड़ का बस स्टैंड, कब पहुँच गया मुरबाड़ मुझे पता ही नहीं चला। मैंने राइट साइड में देखा, मैं बोला अरे ये तो बस स्टैंड आ गया मुरबाड़ का, तो ऑलमोस्ट मेरा ध्यान ही नहीं था। अभी पिछले बहुत महीनों से लॉन्ग राइड ही कर रहा था, तो वो आदत हो गई थी कि एक फोकस से राइड ही करते रहना है। मुरबाड़ तो क्रॉस कर लिया, अभी आगे ऐसा कुछ मेन सिटी नहीं है, तो डायरेक्ट अभी जो मेन आएगा वो है अपना डेस्टिनेशन यानी कि मालचेस घाट। राइड करते करते बहुत कुछ याद आते रहता है मुझे, और अभी ऐसा याद आया कि जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पहला वीडियो बनाया था तो वो भी शायद मैंने 20 से लेकर 30 जनवरी के बीच में ही बनाया था, और अभी भी आज 23 जनवरी है। सो कह सकता हूँ कि ये शायद कोइंसिडेंस है।
ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर सबसे डेंजरस घाट कोई है महाराष्ट्र में तो वो मालशेज घाट है, एस्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। नॉर्मल वेदर में आपको इतना कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी यस ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत है। जो भी वीडियो देख रहा है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मालशेज घाट आने का सोच रहे हो बाय बाइक, तो एकदम अगर आपको प्रॉपर राइडिंग आती है तो ही मालशेज घाट आओ, वरना इट्स टू रिस्की एंड टू डेंजरस। रास्ते में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि बहुत से नए नए ढाबे यहाँ पर खुले हैं, मतलब खाने का कोई टेंशन ही नहीं है अभी इस रूट पर। पहले ऐसा नहीं था, मतलब पहले अगर मैं कहूँ जब मैं यूट्यूब पर नहीं था, 4-5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आता था, तो इतने ढाबे देखने ही नहीं मिलते थे, बस ऐसे जंगल ही था सब जगह। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो हर 1 किलोमीटर के बाद एक ढाबा तो दिखेगा ही आपको। तो ये तो अच्छा हो गया कि अगर आप मालशेज घाट आ रहे हो और रास्ते में आपको भूख लग गई तो ढाबे पर बैठकर खा सकते हो। मैंने तो ले लिया है मेरा, तो इसलिए मुझे तो ज़रूरत नहीं है। अरे भाई साहब, नज़ारे तो देखिए, क्या पहाड़ दिख रहा है। लगता है घाट स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मालशेज घाट में रोड का काम चल रहा है, तो ये देखिए एक एक साइड से अलाउ कर रहे हैं। ये एक साइड तो हो गया, अब वो साइड स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि ट्रैफिक नहीं है इतनी, वरना क्या हालत होती। ऐसे 2-3 जगह पर और आगे काम चल रहे हैं। ये जब तक काम चलेंगे तब तक ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन काम होने के बाद एकदम रोड मस्त हो जाएगा। ओ, अचानक ठंड महसूस हो रही है। ऑब्वियसली हम अभी ऊपर जा रहे हैं तो ठंड महसूस होगी, लेकिन अचानक एकदम ऐसा लगा कि कोई टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। फाइनली आई हैव रीच्ड द लद्दाख ऑफ महाराष्ट्र। जितने भी लोग लद्दाख जाकर आए हैं ना, तो उनके मुंह से मैंने ये सुना है कि मालशेज घाट आकर ऐसा लगता है कि हम लद्दाख आ गए हैं, पहाड़ों के बीच में से रोड से। तो 1% तो भी लद्दाख की फीलिंग आएगी आपको। एंड ये मालशेज घाट का टनल हम पार करेंगे। ओहो, क्या फील आ रहा है बॉस। चलिए यहाँ पर पार्क कर देता हूँ बाइक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका भाई मालशेज घाट पहुँच चुका है। एक्चुअली 2 सालों के बाद मैं बाइक से आया हूँ मालशेज घाट। जस्ट लुक एट द सराउंडिंग्स, इतना शांत है ना यहाँ पर कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, हेलमेट और बैग यहीं पर रखा है। सोलो राइड का प्रॉब्लम यही होता है कि हेलमेट बैग सबका ध्यान अपने को अकेले को ही रखना पड़ता है। सो इफ आई हैव टू शो यू द मालशेज घाट जहाँ से मैं आया, जहाँ से रोड आता है, तो ये देखिए वहाँ से रोड आ रहा है। बहुत से लोग यहाँ से चलकर फोटो खींचते हैं। अगर आप कितने भी बड़े डेयर डेविल क्यों ना हो, ऐसा ट्राई मत करो, बहुत डेंजरस है, बहुत रिस्की है ये। यहाँ से अगर आपका पैर फिसला तो आप डायरेक्ट नीचे जाओगे। ये कितना फीट नीचे है पता नहीं मुझे, लेकिन आप नहीं मिलोगे, तो इसलिए ये सब ऐसा ट्राई मत करो। अगर आप मालशेज घाट आ रहे हो तो आप देखोगे कि रोड्स के ऊपर नेट्स लगाए हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा सब बंदोबस्त किया हुआ है। आई थिंक मैं और अजय जब आए थे तब शायद ऑड डे था, तो इसलिए भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज कुछ ज़्यादा ही है, ऑब्वियसली आज सैटरडे है, संडे है, वीकेंड है, तो वीकेंड में भीड़ होती ही है। यहाँ तक आया हूँ और मालशेज घाट का आपको व्यू ना दिखाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है। एक बार प्रॉपर आपको व्यू ही दिखा देता हूँ। तो फाइनली जो एज है, मतलब ये पॉइंट, तो ये फाइनली 1/2 आवर के बाद खाली हुआ है। और यहाँ से मेरे को एक्चुअली आपको दिखाना था, लुक एट दिस, क्या नज़ारा है यार। वहाँ पर भी है जाने के लिए, वहाँ पर मैंने देखा तो वहाँ पर ज़्यादा फैमिलीज थी, यहाँ पर सिर्फ कपल लोग आ रहे, वही ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। और अब जाकर ये जगह खाली हुई थी तो इसलिए आपको दिखाया मैंने यहाँ से व्यू। अभी मालशेज घाट आया ही हूँ तो यहाँ से आगे पिंपलगांव डैम भी है, लेकिन सोच रहा हूँ कि अब ना जाऊँ, कोई होगा मेरे साथ, कोई दोस्त वगैरह होगा तो तब जाऊँ, क्योंकि वो डैम का रास्ता मुझे पता नहीं और एयरटेल का नेट यहाँ पर चल नहीं रहा, तो इसलिए मैं नेविगेशन भी नहीं लगा सकता। खाली फुकट ऐसा होगा कि मुझे जो डैम के पास जाना है तो उसके बजाय मैं कहीं और ही चले जाऊँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई एक भी बंदा होगा ना मेरे साथ तो तब मैं डैम के आ जाता हूँ। भूख लगना स्टार्ट हो गया है, बड़ा पाव निकलता हूँ और खा लेता हूँ। सोचा कैमरा रखता हूँ और वड़ा पाव खाते हुए बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर इतने बंदर घूम रहे हैं कि मैं कैमरा रख के वड़ा पाव खाते खाते आपसे बात ही नहीं कर सकता। और किसी ने तो एग्जैक्टली यहाँ पर खाना डाल दिया है, तो इसलिए बंदरों की पूरी गैंग है यहाँ पर। अगर मैं कैमरा रखूंगा तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया,
ऑलराइट, सो डन विद द पेट पूजा। 1.5 आवर्स हो गए, अब घर की तरफ बढ़ते हैं। चलो एक शॉर्ट में 5 मिनट में वहां पर जाकर दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। अभी यहाँ तक आ ही चुके हैं। एक्चुअली मैंने सब हेलमेट वगैरह सब राइडिंग गियर पहन लिए है, लेकिन फिर भी चलो दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं दूसरे पॉइंट से आपको दिखाता हूँ। अगर बात करूँ तो अभी जो मैंने दिखाया वो वहाँ पर है, वो था पॉइंट। यहाँ पर भी स्टेयर से खड़े रहकर आप फोटो निकाल सकते हो। सो बस यही था, यही सब व्यू है यहाँ से। अगर आप पीछे देखोगे तो वो पहाड़, वही जो वहाँ से व्यू मिल रहा था वही है यहाँ से भी। तो चलिए अब निकलते हैं मालशेज घाट का टनल। तो ये टनल से थोड़े बात ही में रुका था यहाँ पर। सो अब राइड स्टार्ट हो चुकी है वापस घर की तरफ। बहुत पीसफुल लगा यहाँ पर आकर, मस्त 2 घंटा अकेले में स्पेंड किए, एक कोना पकड़ के शांति से बैठ गया, एकदम रिलैक्स फील हो रहा था। जस्ट वेट, यहाँ पर तो रुकना बनता है। सो ऑलरेडी यही वो जगह है, यही वो प्लेस है जहाँ से मैंने अपनी YouTube की शुरुआत की थी। तभी एक्टिवा यहाँ पर पार्क करके दोनों हाथ फैलाकर पोज दिया था एकदम, और फोटो क्लिक किया था। तभी एक्टिवा थी साथ में और तभी अजय था साथ में। आज कावासाकी निंजा है और मैं सोलो हूँ, तो ये प्लेस एकदम नॉस्टैल्जिक हो गया मैं यहाँ पर आके। एक्चुअली यहाँ पर एक किस्सा भी हुआ, मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठा था, तो वो भी किस्सा आप देख लो। मैं रुकने भी वाला नहीं था, मैं रुका इसलिए हूँ क्योंकि एज यू कैन सी मैंने GoPro को चार्जिंग पे लगाया। GoPro की बैटरी डेड हो चुकी है, तो थोड़ा सा अगर व्लॉग करने मिले, थोड़ा सा मोटो व्लॉग करने मिले तो अच्छा है। और बाइक देखिए, बाइक वहाँ पर खड़ी है, क्या लग रही है बॉस बाइक। हाँ, तो एक्चुअली मेरे GoPro की बैटरी डेड हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे वहाँ पर 15 मिनट बैठकर चार्ज करना पड़ा। घर जाते वक्त तो इतना व्लॉगिंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ दिखाने लायक रहा, कुछ बताने लायक रहा, तो GoPro में बैटरी होनी चाहिए। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू मालशेज घाट। एक शॉर्ट सी ट्रिप थी ये, मैंने खुद के लिए एक्चुअली ये चैलेंज रखा था कि 0 पर मैं यहाँ पर आया था, तो 1000 जब होंगे तभी यहाँ पर आऊँगा, तब तक नहीं आऊँगा। और वो चैलेंज पूरा होने के बाद यहाँ पर आया मैं। फिलहाल अब मालशेज घाट से उतरते हुए तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ऊपर जाना हमेशा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू नीचे उतरना। अब वापस वही रूट से जाना है हमें, मोरबाड़ से सेम रूट। शॉर्ट राइड करने का, या फिर मैं कहूँ कि वन डे राइड करने का अपना ही अलग मजा है। आप कहीं भी कितने भी देर रुक सकते हो, कितने भी ब्रेक ले सकते हो। तो बस मैंने और एक ब्रेक ले लिया, और वो सिर्फ आपको व्यू दिखाने के लिए। ये माउंटेन देखिए, ये रहा रोड, यहाँ से अपने को जाना है आना है। मैं GoPro पे भी ये दिखा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि रुक कर आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ माउंटेन्स कवर्ड है, अपन अकेले सोलो राइड कर रहे हैं, और आगे पीछे सिर्फ बाइक्स और कार जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं रुका है यहाँ पर। मैं ही रुक गया, सोचा आपको व्यू दिखा दूँ। तो चलिए अब हेलमेट पहन लेता हूँ और राइड स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए पहुंच गया मुरबाड़, देर से ही सही। अब डोंबिवली दूर नहीं, अपना घर दूर नहीं। मिलते हैं जब भी कुछ अच्छा दिखाने लायक होगा तो, या फिर मैं शहाड़ पहुंचने के बाद आपसे मिलता हूँ। एंड हियर इट इज, शहाड़ पहुंच गया। क्या रोड्स थे यार, मस्त मक्खन रोड्स थे। सो द टाइम इज नाउ अराउंड 3 o'clock। मैं बीच में पानी पीने के लिए 10 मिनट रुक गया था, घर पहुंचने को आई गेस 4 o'clock हो जाएंगे। लेट्स सी। अबे नहीं यार, नहीं नहीं, मुझे खेलने नहीं, मुझे यहाँ से जाना ही नहीं। क्या है यार ये हमेशा इतनी ट्रैफिक। एक काम करता हूँ, गुस्से में मैं कुछ अनशन ना बक दूँ, उससे अच्छा मैं बिल्डिंग के नीचे या घर पर ही वीडियो एंड करता हूँ। एनीवेज छोड़ो, मिलते हैं बाद में, चलो। सो मैं ऑलमोस्ट वीडियो एंड करने भूल गया था मैं इतना थक गया था ना ये ट्रैफिक में अटक अटक के। घर पे आकर सबसे पहले तो नहाया मैं, अब कहीं जाकर फ्रेश लग रहा है। तो यही था आज का राइड, आज का शॉर्ट राइड। जितना मुझे हो सका उतना मैंने मालशेज घाट एक्सप्लोर किया। मुझे पता है कोई कोई प्लेसेस और जा सकता था मैं और आपको दिखा सकता था। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं आज का व्लॉग ही नहीं बनाने वाला था, आज वीडियो नहीं बनाने वाला था। खुद की वो मेमोरीज ताजा करने के लिए, नेचर के बीच थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए मैं जाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देता हूँ। तो इसलिए अगर मालशेज घाट का मैंने कुछ ज्यादा नहीं दिखाया तो आई एम सॉरी। वापिस जाएंगे ना अभी, तो यार मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ यार अपना, अभी तो बहुत बहुत घूमने अपने को। मालशेज घाट क्या, बहुत सारे घाट घूमेंगे, अलग अलग स्टेट्स के घाट घूमेंगे उसमें क्या। और अगर मैं डिस्टेंस बताऊँ तो डोंबिवली से लेकर मालशेज घाट और मालशेज घाट से लेकर डोंबिवली इज अराउंड 183.7 किलोमीटर। आज का यही छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो था, क्या पता है वीडियो लंबा भी बन गया होगा, लेकिन राइड तो शॉर्ट थी। सो नाउ आई थिंक आई शुड एंड माय वीडियो ओवर हियर गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोस। गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग।
अरे बंदर मर जाएगा पीछे।